ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं, घायल अभी नहीं आए हैं। और ये बहुत दुखद घटना है, भगवान उनकी कितने लोगों के मरने की आशंका है सर? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं, कुल सब कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनके पंचायत नामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण भगदड़। क्योंकि बताते हैं कि जो आतरस में सत्संग चल रहा था, ये सगंध गांव वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है, जिसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है। और उनकी प्रक्रिया चल रही है, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारे क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं एक दो, बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई है एटा में? यहाँ 27 बॉडी है। गए थे साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी, अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी देख रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी नीचे कर गए, उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? पाँव धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। कितना बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं इसमें।